कहा कि गुरु कहता है तो गुरु जो मेरे भाजी जो गुरु है तो गुरु भाजी ने अपने मन के आया झूठ बोल के उन्हें जाके हुकूमत को यह खास कर दिता कि इस्लाम धर्म के खिलाफ मूर्त हर को कुमारी कुमारी नल भंजन गुर सूरमा वट जोदा वो पर उपकारी चार्ज है मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर कंकट जून गर्भना आयो अज शहीदा दे ताज शांति दे पुंज धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हों का के शहीदी पुरब विश्व भर के बड़ी धूमधाम श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। उसके संबंध में अज कठुआ के अंदर भी ठंडे ते मिठे पानी की छबील लगाई है क्योंकि गुरु अर्जन देव जी का वचन है तपत माहे ठांड वड़ताई अणक पया दुख नाठे पाई। जो उन्होंने शहीद किया गया सत्तियां तवियां ते बिठाया गया वो वक्त की जालम हुकूमत ने उन्होंने बिना कसूर तो सत्तियां तवियां ते बिठा के उन्होंने देश की जेता पा के उन्होंने शहीद किया गया। शहीद होने तो पहला जो बाबा बुढ़ा साहब जी उन्होंने मिले उन्होंने कहा जे आपजियां का हुक्म हो पूरे लाहौर की घटना लिखित जांच की जाएगी। पर गुरु अर्जन देव जी ने कहा नहीं तेरा भाणा मीठा लागे पर नाम पदार्थ नानक मांगे। उन्होंने अकाल पुरख के भाणे को मिठा करके मनिया तो फिर जो हरगोबिंद साहब जी गद्दी के उपर बैठे तो उन्होंने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के शहीदी का जो बदला लिया जिहड़ा चंदू सी उन्हें पूरे लाहौर के हथ ते पैर बन के उहदे घोड़े के पिछे बन के घुमाया तो उन्होंने शहीद शहादत का बदला लिया। जिन्होंने परसाए गुरबाणी का फरमान है पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन पाया काया पलट के मूर्त हर गोबिंद कुवारी चली पीरी छोटिया रूप वटावन वारो वारी नल भंजन गुर सूरमा वट जोदा वो पर उपकारी। अज गुरु आओ अकाल तख्त के उपर बड़े किंतु परंतु किए जा रहे हैं पर वो अकाल तख्त वो ताकत है जो कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने दरों घरों बरकाया है। उस अकाल तख्त को अज ढा लाने की कोशिश की जा रही है। मैं सिख कौम को अपील करना चाहता हाँ अज के दिन से कि योजे पुरब ता ही मनाए करते हैं कि अभी अपने धर्म के अंदर पक्के रहिए अपने अकाल तख्त की जो मर्यादा है उन्होंने कायम रखिए अकाल तख्त के हुक्म अनुसार जो अभी जो भी काम करिए अकाल तख्त के हुक्म अनुसार करिए। मैं एक गल होर कहना चाहता हाँ कि अज जो गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन हैं उस दौरान जो इलैक्शन हैं वो जो एक थोपे गए इलैक्शन हैं जो गोरमेंट वालों जो कि ये साढ़े उपर थोपया गया है गुरद्वारा एक्ट इनू खत्म करना चाहिए है अते जो इलैक्शन की बजाय गुरु घर सिलैक्शन होनी चाहिए है अते जो गोरमेंटा की इनवॉलमेंट है वो गुरु घर खत्म होनी चाहिए है। असी पर जोर विरोध करते हाँ इन्होंने इलैक्शन का तो असी बाइकआउट करते हाँ। मैं कहना हाँ कि वध चढ़ के